हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टिप एक्सपेरिमेंट में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले नहीं दिखाने वाले हैं कि एक रील्स के माध्यम से 9 वाट का बल्ब कैसे जलाते हैं। आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि कोई रील्स के माध्यम से, तो कोई मैग्नेट के माध्यम से, तो कोई स्पीकर के माध्यम से बल्ब जला के को दिखाता है। तो चलिए आज हम इसी को सच्चाई बताएंगे, क्या रील्स के माध्यम से बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। अगर नहीं जलेगा तो आपको हम जला के भी दिखाएंगे। तो बनी रही हमारी इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक, और देखिए पूरा सच्चाई कि क्या है, जलता है या नहीं जलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मेरे पास इतना सामान होना चाहिए। 1 मीटर कॉपर का वायर होना चाहिए, और 1 होल्डर होना चाहिए, 1 बल्ब होना चाहिए, और 1 मैग्नेट जो चुंबक होना चाहिए, और 1 देख रहे रिंच है। इसी के माध्यम से आज हम आपको ये बल्ब जो है जला कर दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक, और देखिए हम बल्ब कैसे जलाते हैं। सबसे पहले सिरिंज को लेना है। सिरिंज में जो कॉपर वायर, जो 1 मीटर का जो वायर है, इसको इस तरीके से इसमें लपेट लेंगे। देखिए देखिए इस तरह से लपेटेंगे, पूरा टाइट लपेटेंगे, लूज नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से आपको भी लपेट लेना है पूरा फुल टाइट, और लपेटने के बाद देख सकते हैं इस दोनों तार को मुंह पर थोड़ा सा छील देंगे ताकि वायर कनेक्शन कर सके। इसके बाद एक चुंबक लेंगे, चुंबक को इस तरह से डाल देंगे। देखिए इस तरह से रख देंगे, देखिए चुंबक पकड़ लिया ही, और इसको ये दोनों को छीलेंगे, हटा लेते इस पे, इसको छील लेते बढ़िया से। देखिए इस तरीके से छील लेना है। छीलने के बाद जो है इस तरह से चुंबक उसे चिपका देना है। देखिए चुंबक को चिपकाने के बाद देखिए ये दोनों जो वायर है, इस दोनों वायर में जो कनेक्शन करेंगे तो मेरा बल्ब जलेगा। देखिए चलिए पहले होल्डर बल्ब तैयार कर लेते हैं। ये होल्डर रहा, ये तार का टुकड़ा है। इसे कनेक्शन कर लेंगे होल्डर में। देखिए और कोई एक्स्ट्रा वायर नहीं है होल्डर में, देख सकते हैं। इस तरह से कनेक्शन कर लेंगे और इस कवर को इसमें लगा देंगे। देखिए कोई एक्स्ट्रा वायर नहीं है, आप लोग को लगा कोई अलग से एक्स्ट्रा वायर जो कि जला कर दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए क्योंकि मेरा होल्डर तैयार हो गया, अब इसको क्या करेंगे, इस दोनों वायर को इसमें जोड़ेंगे। तो इसमें जोड़ेंगे, आई वो इसमें जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ लिया, दोनों तार अलग अलग है, देख सकते हैं। अब इसी के माध्यम से देखिए मेरा बल्ब जलता है कि नहीं जलता है। आप लोग देखिए ये बल्ब है, देखिए ये बल्ब है, बल्ब को लगा कर देखते हैं जलता है कि नहीं जलता है। तो चलिए देखिए बल्ब जल गया, ये बल्ब जल गया, देख सकते हैं आप। देखिए लगा दिखाते हैं, देखिए बल्ब जल गया। देखिए कहीं कोई एक्स्ट्रा तार नहीं है, देख सकते हैं आप। सिर्फ खाली चुंबक और
रील्स के साथ ऐसा बल्ब जलेगा, देख सकते हैं आप, देखिए। चलिए अब हम दूसरा बल्ब लगा कर देखते हैं। देखिए ये मेरे पास दूसरा बल्ब है जो 15 वाट का जो है, देखिए देखिए ये बल्ब नहीं जला दोस्तों, देखिए ये बल्ब नहीं जला, देखिए जो जो कहता लगा हुआ है, देखिए नहीं जला। इसका आप रीजन समझिए क्या क्यों नहीं जला बल्ब। ये बल्ब जो है 9 वाट का नॉर्मल बल्ब जो है, नॉर्मल बल्ब है 20 वाट का है, और ये बल्ब जो है देखिए आप जो अपने घर में भी यूज होता होगा एसी डीसी बल्ब, इसे देख सकते हैं, इस पर उंगली डालने के बाद जलेगा, देखिए देखिए वही बल्ब है। उसी बल्ब को जो हम जब पीछे जो उंगली टच करते हैं जो बल्ब जलता है, उसी बल्ब को हम लोग को दिखाया जाता है यूट्यूब पर, और देखिए होल्डर रिंच के माध्यम से इस तरह करेंट जाता है, इसके माध्यम से करेंट जाता है फिर रिटर्न आता है, टच करता है तो बल्ब जल जाता है। देखिए ये एसी डीसी बल्ब है, इसमें लगा देते हैं, देखिए जलने लगे थे, देखिए जल गया। इसी तरीके से सबको बेवकूफ बनाया जाता है, देखिए इसमें कोई करंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए अगर इससे बल्ब जलता तो मेरे लाइन का क्या होता, जनरेटर का क्या होता, बिजली का क्या होता, तो सब तो अपना इसी से बनाकर और सब है अपना घर में बल्ब जलाते हैं, ये सब फेक है। देखिए आप लोग भ्रम न पहुँचे, और ऐसा आप लोग जो देखते हैं सब फेक है ऐसा, और ट्राई करना चाहते ट्राई करके बाद देखिएगा अपने घर में। तो चलिए यही सच्चाई वीडियो का है। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में आप देख ही ले कितना क्या सच्चाई है, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इसी तरह का वीडियो इसी तरह का सच्चाई जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ए टेप एक्सपेरिमेंट का, और बेल आइकन दबा लीजिए साथ में कि ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।